गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ और बात करते हैं। देखो, आप लोग न्यूज सुन रहे होंगे, कोरोना वायरस बहुत ज्यादा फैल चुका है और जो ये मजदूर लोग हैं ये बहुत ज्यादा यहाँ से माइग्रेट करके अपने अपने स्टेट में वापिस जा रहे हैं। लोग भूखे मर रहे हैं, देख रहे हैं वो छोटे छोटे बच्चे पैदल चल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल एज ए बायो स्टूडेंट, अपने आसपास सफाई का ध्यान रखो और अपने आसपास लोगों को मोटिवेट करो, उनको समझाओ कि बाहर नहीं निकलना है, लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन होता है और ये जो भी कुछ है वो आपकी भलाई के लिए हो रहा है। एंड सेकेंड थिंग, जो भी आप कुछ भी डोनेट कर सकते हो प्लीज करो, गरीबों के लिए, देश को जरूरत है आप लोगों की। इस लॉकडाउन को फॉलो करो और जो भी गरीब आसपास है जिसके पास रोटी नहीं है या जो डेली बेसिस पे कमाने के लिए जाता था फिर उस पर अपना रात को खाना बनता था, इस टाइप के लोगों का डेली बेसिस की इनकम खत्म हो गई है, तो अगर आप जो भी हेल्प कर सकते हो प्लीज हेल्प करो, जरूरत है उन लोगों का आपकी यहाँ पे। एंड प्लीज अपना ध्यान रखिएगा अच्छे से, बिकॉज लॉकडाउन सरकार ने अगर किया तो कुछ भलाई के लिए कर रहा होगा। और अभी हम लोगों को ऐसा हो रहा है कि हम घर में रहते रहते थोड़े पक्से गए, थोड़े बोर हो रहे हैं, बट आप बोर मत हो, आप लगातार वीडियो देखते रहो, लगातार अपने नोट्स बनाते रहो, अपने आप को बिजी रखो जितना रख सकते हो। तो बस इतना ही बात कहूंगा मैं, प्लीज अपना ध्यान रखिएगा, दूसरों का भी ध्यान रखो साथ साथ। चलो अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक आज का। हम लोगों ने बेटा जी पढ़ा यहाँ पे कि मेंडल जो था वो फेल हो गया था, लोगों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया। उसके ना करने के आपने चार बड़े कारण दिए। आपने कहा सर उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था, वो उस फैक्टर का फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाया था कि वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, कैसा होता, नहीं बता पाया था। फिर आपने ये भी कहा कि सर उसने मैथमेटिक्स का यूज किया था बायो में जो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। आपने ये भी कहा साथ में कि सर वो कोटनेस वेरिएशन के बारे में नहीं बता पाए, उसके अकॉर्डिंग फैक्टर जो था वो स्टेबल था और वो कभी ब्लेंड नहीं होते पेयर ऑफ फैक्टर। यहाँ पे तो उसने ये कहा था कि कोटनेस वेरिएशन कैसे होते उसे जस्टिफाइड नहीं कर पाया, उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। फिर आपने कहा कि सर उसे रीडिस्कवर करने वाले तीन लोग आए, नाम क्या था उनका यहाँ पे, हुगो डी वेरीज, टेस्ट मार्क और आपने कहा कोरेंस। फिर आपने कहा कि एक थ्योरी आई, उस थ्योरी का नाम था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जहां पे ये कहा गया कि मेंडल के जो भी प्रिंसिपल थे उनको लिंक कर दिया गया किसके साथ, यहाँ पे क्रोमोसोम मूवमेंट के साथ। और ये थ्योरी देने वाले कौन थे, सुटोन और बॉरियर, कब दिया बेटा उसे, यहाँ पे 1902 में। आपने पढ़ा इस थ्योरी के अंदर कि सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है वो प्रूव करता है सेग्रीगेशन ऑफ द फैक्टर को। फिर आपने सेकंड टॉपिक में पढ़ा सेग्रीगेशन, या आपने पढ़ा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम जो प्रूव करेगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ द फैक्टर्स का, मैं कहूंगा जीन्स का। ये सब बातें आपने लास्ट वीडियो में खत्म कर चुकी हो। लास्ट वीडियो के एंड में आपने एक लाइन बोली थी, उस थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल प्रूव देने के लिए कोई आया तो वो कौन आया बेटा जी, मॉर्गन। आपने ये कहा कि मॉर्गन ने काम किया था ड्रोसोफिला पे और ड्रोसोफिला पे उसको काम किया तो उसके लिए उसके पांच रीजन थे कि उसने ड्रोसोफिला को क्यों सिलेक्ट किया था। आपने पांच रीजन क्या दिए थे कि आप ड्रोसोफिला को इजिली कल्चर कर सकते हो लैब में, आप उसके अंदर इजिली ऑब्जर्वेबल करेक्टर को नोटिस कर सकते हो जो कि आप एक लेस पावर के माइक्रोस्कोप में देखोगे तो भी दिखाई दे जाएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, रेड आई है, व्हाइट आई है, ब्राउन बॉडी है, रेड, मतलब इस तरह के करेक्टर है यहाँ पे आपको जो कि इजिली यहाँ पे ऑब्जर्व आपके हो सकते हैं। दूसरा, तीसरा आपने कहा था यहाँ पे उसमें नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होते हैं पर नेशन वो क्वाइट कैसे बहुत ही हाई होते हैं यहाँ पे। आपने कहा उसकी लाइफ स्पैन जो होता है बहुत ही छोटा होता है, मात्र यहाँ पे 2 वीक्स का होता है। आपने कहा था कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस होते हैं पर जनरेशन उसका नंबर भी क्वाइट कैसा है यहाँ पे हाई होता है। ये सब बातें हमने कर ली थी। तो आज के टॉपिक की हम शुरुआत करेंगे तो पहले मॉर्गन के बारे में कुछ बातें आपको बता देते हैं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चन दिया गया है, राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मॉर्गन, कि मॉर्गन के कंट्रीब्यूशन बताओ क्या आता था। उसके कंट्रीब्यूशन भी तो पढ़ेंगे यहाँ पे, बट थोड़ा सा उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं, थोड़ा उसके बारे में जानेंगे, फिर उसके कंट्रीब्यूशन को तो आगे जाके बहुत डिटेल में पढ़ने वाले, थोड़ा सा उसके बारे में बातें करते आइएगा। पहली बात उसके बारे में बेटा जी, उसका बर्थ हुई थी बेटा जी 1866 में, डेथ हुई थी बेटा जी यहाँ पे आपकी 1945 में, यानी उसका लाइफ स्पेन कब से कब तक था बेटा जी यहाँ पे 1866 से लेके 1945 उसका लाइफ स्पेन था। आपने इसको नाम दिया था द फादर ऑफ द एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, नाम क्या दिया आपने उसमें बेटा जी, फादर ऑफ द एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। इसको एक और नाम दिया था आप लोगों ने यहाँ पे, नोन एज फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स। मैंने आपको लास्ट लेक्चर बताई थी बातें, क्योंकि इसने काम किया था ड्रोसोफिला पे तो हमने इसको नाम दे दिया कि फ्लाईमैन ऑफ द जेनेटिक्स। ओके,
अब बातें आती है उसने क्या काम कर रहा। आप आज के लेक्चर में जो हम एक बहुत बड़ा टॉपिक पढ़ने वाले, टॉपिक है बेटा लिंकेज, तो उस लिंकेज को डिस्कवर करने वाला और ट्रम्प लिंकेज देने वाला एक कौन था बेटा जी, मॉर्गन था। कब दिया था ट्रम्प बेटा उसने यहाँ पे 1910 में, 1910 में एक वर्ड आया बेटा जी लिंकेज। ये क्या होते पढ़ेंगे अभी हम डिटेल में। इसे देने वाला डिस्कवर करने वाला कौन था बेटा जी, यहाँ पे आपका मॉर्गन जी थे। मॉर्गन ने एक बुक पब्लिश की थी, उस बुक की बेटा जी हेडिंग, उस बुक का नाम था बेटा जी द थ्योरी ऑफ जीन। और ये बुक कब पब्लिश हुई थी बेटा जी, यहाँ पे 1917 में। और इसी बुक ने लोगों तक वाइडली आपको जेनेटिक्स की अगर नॉलेज को स्प्रेड किया गया, तो इस बुक के द्वारा ही मॉर्गन ने अपनी बातों को पहुंचाया था यहाँ पे, अपने काम को लोगों तक पहुंचाया, यहाँ पे लोगों ने उसे एक्सेप्ट भी किया था यहाँ पे। और ये बहुत ही फेमस बुक हुई थी यहाँ पे। उस बुक का नाम क्या था बेटा जी, यहाँ पे द थ्योरी ऑफ जीन। और इसी से जेनेटिक्स को वाइडली स्प्रेड किया गया था, दूर दूर तक फैलाया गया था, लोगों ने उसे एक्सेप्ट भी किया था इनकी बातों को यहाँ पे। अगला बड़ा था बेटा जी यहाँ पे, इसी लिंकेज को देने के लिए उसने एक थ्योरी दी थी, उस थ्योरी का नाम था बेटा जी यहाँ पे द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। और ये थ्योरी कब दी गई थी बेटा जी यहाँ पे, 1911 में। तो ये भी उसके एक कंसेप्ट हम पढ़ने वाले, क्या होने वाला है यहाँ पे। मॉर्गन ने किन किन टॉपिक पे काम किया था, उन टॉपिक की मैं अगर लिस्ट बनाऊ तो उन टॉपिक की लिस्ट होती है बेटा जी यहाँ पे। उसने काम किया था लिंकेज पे, उसने काम किया था बेटा सेक्स लिंकेज पे, उसने काम किया था लिंकेज के मैप पे, उसने बेटा जी बातें की थी क्रॉसिंग ओवर की, उसने बातें की थी यहाँ पे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस की। सब चीजें हम पढ़ेंगे डिटेल में, क्या क्या चीजें होती हैं यहाँ पे आपकी, अभी शुरू होने वाली सभी बातें यहाँ पे। और उसके इतने सारे काम किए थे जिसकी वजह से उसे नोबेल प्राइज मिला था बेटा जी 1933 में, उसे मिला था नोबेल प्राइज। तो याद रखना नोबेल प्राइज मिला हुआ 1933 में। उसने मेनली काम किया था लिंकेज के बारे में, और वो क्या क्या चीजें थी उन सबकी बातें शुरू करने वाले। स्मॉल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और हमें एक छोटी सी कहानी बताइए किसके बारे में बेटा जी यहाँ पे, मॉर्गन के बारे में। जैसे हमने मेंडल को कहा कि फादर ऑफ द जेनेटिक्स था, वैसे ये भी फादर ऑफ द एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स है। शुरू करते हैं टॉपिक को यहाँ पे, यानी अब अपना टॉपिक से लेकर मेन यहाँ पे लिंकेज। तो लिंकेज कैसे आया, कैसे उसकी डिस्कवरी हुई, कैसे हिस्ट्री में आया, वो हम उसकी बातें शुरू करेंगे। तो आपको एक बात बता दो बेटा मैं यहाँ पे, आज के जो टॉपिक है ना, बड़ा अच्छा टॉपिक है, काफी बच्चे इस टॉपिक में प्रॉब्लम फील करते हैं। और उसका रीजन क्या है, जैसा कि मेंडल ने कहा था, या मेंडल के बारे में कहा गया था, यूज ऑफ मैथमेटिक्स इन द फील्ड ऑफ बायो, वैसे बायो में न्यूमेरिकल होंगे, बायो में आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने पड़ेंगे। और वो न्यूमेरिकल बेटा जी इसी चैप्टर के ऊपर आते हैं, इसी टॉपिक पे आने वाले, उस टॉपिक का नाम होगा लिंकेज। तो बड़ा अच्छा टॉपिक है, कुछ कंसेप्ट वहां पे अच्छे वाले आएंगे बेटा जी। और जो मेंडल के कुछ केसेस को फेल करके कुछ नई बातें बताएगा यहाँ पे आपका, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल बड़े गौर से इस टॉपिक को देखना। न्यूमेरिकल करवाऊंगा आप लोगों को, क्या प्रैक्टिस है तो अच्छे से देखना यहाँ पे, एक जबरदस्त टॉपिक आपका यहाँ पे। टॉपिक आप शुरू करने वाला टॉपिक का नाम बेटा जी यहाँ पे लिंकेज। चलिए बेटा, अब टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात कर लेता हूं आपसे, ताकि आपको बातें आगे लिंक होंगी यहाँ पे। अगर मैं एक बातें कहूं, मैं डाइहाइब्रिड क्रॉस में टेस्ट क्रॉस करूं, मैं डाइहाइब्रिड क्रॉस में अगर टेस्ट क्रॉस करूं तो क्या होगा, जरा रिजल्ट को देखिएगा। मैंने जो आपको असाइनमेंट दिया है उसके ए पार्ट में जो 10th क्वेश्चन है, मैं उसकी कुछ बातें कर रहा हूं यहां पे, जरा समझ के देखना बातों को। जरा वर्ड का मतलब क्या है कि सर हमने कहा ये पी जनरेशन है, एक प्लांट है टॉल और उसके फ्लावर है बेटा जी रेड, एक दूसरा प्लांट है वो है स्मॉल यानी कि ड्वार्फ और उसके फूल होते हैं बेटा जी व्हाइट। और मैंने कहा टॉल इज डोमिनेंट ओवर ड्वार्फ एंड रेड इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट। और आपने कहा अब इनका जब क्रॉस होता है तो एक प्लांट पैदा हो गया कुछ ऐसा, तो मैं कहूंगी प्लांट कैसा है बेटा जी, टॉलर रेड है, आपने इसका क्रॉसिंग करा दिया एक ऐसे प्लांट से जो ड्वार्फ है और जो बेटा जी आपका व्हाइट है। मतलब मैंने एफर की सेल्फिंग नहीं की बेटा जी, सेल्फिंग अगर करता तो मैं कहते मैं इसी की आपस में क्रॉसिंग कराता, मैंने इसका क्रॉस करवा दिया विद ए ड्वार्फ एंड ए व्हाइट फ्लोर। याद करो टेस्ट क्रॉस को, हम जब भी किसी अननोन जीनोटाइप की क्रॉसिंग कर दे होमोजाइगस रिसेसिव के साथ में, मतलब मैं किसी भी प्लांट का क्रॉस कर दूं किसी रिसेसिव पेरेंट के साथ में, तो ऐसा क्रॉस बन जाता है बेटा जी टेस्ट क्रॉस। तो देखो ना यहां पे ये जो भी मेरा एफ1 है
जो टोल एंड रेड मुझे दिख रहा है बट मुझे नहीं पता कैसा टोल है वो आपका, कैसा यहाँ पे रेड है मुझे नहीं पता उसका जीनोटाइप यहाँ पे, बट मैंने उसकी क्रॉसिंग करा दी रिसेसिव पेरेंट के साथ में यहाँ पे। और हमें पता है रिसेसिव पेरेंट तो हमेशा होमोजाइगस होता है, बिकॉज रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस ही किस कंडीशन में करता है बेटा जी, होमोजाइगस में करता है। दोबारा वर्ड को सुनिएगा, आपने कैसे टोल होने की दो कंडीशन, ऐसा भी टोल हो सकता है और ऐसा भी टोल हो सकता है, बट द्वार होने की एक ही कंडीशन है, वो क्या है बेटा जी आपके यहाँ पे, ये कंडीशन। सर रेड होने की दो कंडीशन हो सकती है, रेड वो ऐसे भी हो सकता है, रेड वो ऐसे भी हो सकता है, बट व्हाइट होने की एक ही कंडीशन है, वो क्या है बेटा जी यहाँ पे, ये वाली कंडीशन, क्योंकि ये तो रिसेसिव कैरेक्टर है। मतलब आप किसी भी अदर प्लांट का किसी रिसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉस कर दो तो वो क्रॉस क्या बन जाता है बेटा जी आपका यहाँ पे, टेस्ट क्रॉस। और आपने कहा था सर इसका रेशियो क्या है, तो उस रेशियो को समझ कर देखो बेटा जी। आपने कहा सर यहां पे अगर लॉ ऑफ इंटरप्रेट असॉर्टमेंट फॉलो होगा तो क्या करेंगे, गैमेट बनेंगे, या तो बनेगा टी आर, या बनेगा ये, या बनेगा ये, या बनेगा ये, सही है। यहां पे तो एक ही टाइप का बनेगा, और कैसा बनेगा बेटा जी, स्मॉल टी स्मॉल आर। अब सोचिएगा ये अगर क्रॉस हुआ तो आप कहोगे सर ऐसा पेरेंट आएगा, ये क्रॉस हुआ तो आप कहोगे सर ऐसा आएगा, ये वाला हुआ तो क्या होगा ऐसा आएगा, सर ये वाला हुआ तो क्या होगा, ये कैसा है टॉल और रेड, ये कैसा है टॉल और व्हाइट, ये कैसा है ड्वार्फ और रेड, और ये कैसा है ड्वार्फ और व्हाइट। रेशियो क्या है, 1:1:1:1, यानी कि मैं जब भी किसी हिट्रोजाइगस का, जब भी मैं किसी हिट्रोजाइगस पेरेंट का टेस्ट क्रॉस कर दू, यानी कि जब भी मैं किसी F1 का टेस्ट क्रॉस कर दू, मेरे वर्ड को सुनना ध्यान से बेटा जी, जब भी मैं किसी F1 जनरेशन की पेरेंट का टेस्ट क्रॉस कर दू, अब आप ये बात पढ़ चुके F1 इज ऑलवेज हाइब्रिड, F1 हमेशा कैसा होता है हाइब्रिड होता है, F1 हमेशा हेटरोजाइगस होता है, मैंने कहा मैं F1 का कर रहा हूं टेस्ट क्रॉस, तो रेशियो क्या आएगा सर, 1:1 आएगा रेशियो। अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो 1:1 आएगा, डायहाइब्रिड क्रॉस है 1:1:1:1, 4:1:1 करके आएगा, ये बात समझ लीजिएगा। इस बात मैंने परसेंट में दे रखे हैं कुछ डाटा इस बात की, बट एक बात आप हमेशा याद रखो मेरे भाई, हमने शुरुआत के वीडियो में एक बातें बोली, मेंडल जी ने मैथमेटिकल लॉजिक और स्टैटिकल एनालिसिस का यूज किया, मतलब जो भी आप रेशियो पढ़ रहे हो 3:1, 9:3:1, ये सारे अप्रोक्सीमेट रेशियो हैं, ये सारे एक एवरेज निकाल के बनाए गए रेशियो है, ऐसा नहीं कि हमेशा एक्यूरेट रेशियो ऐसा आता है, ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपको कोई डाटा दे दे कि यहां प्लांट पैदा हो गया और भैया जी ऐसे प्लांट 142, ऐसे प्लांट 128, ऐसे प्लांट 132 और ऐसे प्लांट है 139, तो मेरे भाई उसमें देखो रेशियो 1:1 नहीं लिखा है एक्यूरेट, बट अप्रोक्सीमेटली रेशियो कैसा है बेटा जी यहां पे आपका 1:1 कहता। हमेशा याद रखो रेशियो जो भी आता है वो अप्रोक्सीमेट आता है, वो कभी एक्यूरेट नहीं आता है। टेस्ट क्रॉस क्या हो रहा है, समझ में आ रही है बातें बेटा जी, इस बात को दिमाग में बैठा लो। जब भी मैं किसी F1 जनरेशन का टेस्ट क्रॉस करूंगा, वर्ड को ध्यान से सुनना, F1 का टेस्ट क्रॉस करूंगा, मैंने कहा F1 जनरेशन का मैंने टेस्ट क्रॉस कर दिया, और टेस्ट क्रॉस का एक ही मतलब है मैंने उसे क्रॉस कर दिया रिसेसिव पेरेंट के साथ में। तो आप ये कहोगे सर F1 तो हाइब्रिड होते तो वहां पर रेशियो कैसे आएगा, अब अगर ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है तो रेशियो आ जाएगा 1:1, अगर ये डाइहाइब्रिड क्रॉस है तो रेशियो आएगा 1:1:1, ट्राई हाइब्रिड है तो क्या कहोगे सर, मतलब जितने टाइप के गैमेट बनेंगे उतने ही बनाएंगे, ये तो याद रह जाएगा, याद करो ना सर, इस टाइम पे गैमेट बनते दो, तो देखो मैंने दो ही वन लिखे, इस टाइम पे गैमेट बन रहे चार, तो मैंने चार बार एक एक लिखा है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, और F1 जनरेशन अगर हाइब्रिड है तो गैमेट कितने बनेंगे 2n, और n की वैल्यू 3 है, तो आप कहोगे सर 8 गैमेट बनकर कहूंगा, 8 बार क्या आएगा एक एक करके आएगा। दोबारा वर्ड को दोहराऊं, शांति सुन लेना इस वर्ड को, F1 जनरेशन का जब भी आप टेस्ट क्रॉस करोगे रेशियो हमेशा 1:1 में आएगा। लॉजिक सेट हो गया। अब अगर कोई पेपर में गिवन हो और कुछ इस तरह के डाटा दे रखे 142 148, आप कहोगे सर या तो एक्यूरेट 1:1 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अप्रोक्सीमेट तो है, क्योंकि हमने तो ये बातें शुरू में पढ़ ली यहाँ पे कि भाई मेंडल जी ने तो स्टैटिकल एनालिसिस का यूज किया, तो उसने मैथमेटिकल लॉजिक का यूज किया था, कोई भी रेशियो एक्यूरेट नहीं आएगा है, बट अप्रोक्सीमेट आने की संभावना है ऐसी, आप बार बार एक वर्ड यूज कर रहे हो प्रोबेबिलिटी, मतलब संभावनाएं हैं ऐसे आने की यहाँ पे, एक अनुमान है ऐसा, अप्रोक्सीमेट आइडिया इन चीजों का यहाँ पे, समझ में आ रही बेटा जी बातें, ये बातें हमारे आगे जाके यूज भी होगी,
बट काफी बच्चों ने इसकी प्रॉब्लम बताई थी, मैंने क्वेश्चन आपको करके दिखाया कैसे आपको क्वेश्चन करने हैं। चलिएगा शुरू करते हैं टॉपिक को। आज का टॉपिक बड़ा बेहतरीन टॉपिक है, जबरदस्त मजा आएगा आपको पढ़ने में, मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। जबरदस्त टॉपिक है बेटा जी, आज का टॉपिक है बेटा जी लिंकेज। अब इसके इतिहास की बातें करते हैं, कैसे डिस्कवरी में आया तो जब उसकी बातें करते हैं। इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट तो कोई और थे, बट एक्चुअली उनको कोई यहां पे क्रेडिट नहीं मिला। इसका क्रेडिट लेकर गया मॉर्गन, क्योंकि वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो जरा उसकी बातें करें, तो लोगों ने क्या काम किया उनके बारे में कुछ बता दू। साइंटिस्ट का नाम था बेटा जी बैटसन, एंड दूसरे साइंटिस्ट का नाम था बेटा जी यहां पे पुनिट। इन लोगों ने 1906 में प्लांट पे काम किया, जिस प्लांट का नाम क्या था बेटा जी, स्वीट पी। अब गौर फरमाना मेरी बात पे, मेंडल जी ने काम किया था गार्डन पी पे, जिसका बॉटनिकल नेम था बेटा जी पी सेंसिटिवम। इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है बेटा जी, लथारियस ओडोरेक्टस। इसका बॉटनिकल नेम क्या है बेटा जी यहां पे, लथारियस ओडोरेक्टस। मतलब ये वो पी नहीं है जिसपे मेंडल ने काम किया था। चलो वर्ड को दोबारा सुनना, बैटसन पुनित ने काम किया 1906 में, किस प्लांट पे काम किया, स्वीट पी पे काम किया, जिसका बॉटनिकल नेम क्या था यहां पे, लथारियस ओडोरेक्टस। और उन्होंने अपने कंक्लूजन में एक बात कही, और क्या रखा उन्होंने, फिनोमेना का नाम बेटा जी यहां पे आपका कपलिंग एंड रिपल्सन। उन्होंने एक फिनोमेना का नाम दिया यहां पर, वो नाम क्या दिया बेटा, कपलिंग एंड रिपल्सन। उन्होंने कहा था कुछ जीन ऐसे होते हैं जो हमें से एक साथ आगे जाते, वो कपल्ड है, जैसे आप केमिस्ट्री में कहते हो ना कपल्ड रिएक्शन, जो दो रिएक्शन एक साथ होते हैं आप कहते हो कपल्ड रिएक्शन। वैसे उसने कहा कुछ इंडिविजुअल में ऐसे ट्रेट होते हैं जो हमेशा साथ साथ ही जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर होते हैं, कभी बदलाव में नहीं जाते, जो साथ साथ जाते हैं वो कैसे यहां पे कपल्ड जीन होते हैं, और कुछ जीन ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को रिपेल करके अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं, और वो आगे जब जाते हैं तो उनमें बदलाव आ जाता है, वहां पे नए कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। तो मैं कहूंगा ऐसे वाले जीन क्या शो कर रहे हैं बेटा जी यहां पे, रिपल्सन शो कर रहे हैं। उन्होंने ऐसी कुछ फिनोमेना समझाई, वो क्या समझाई उसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, समझिएगा बात को जरा। अब एग्जांपल क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हमने ले लिया एक प्लांट जिसमें ब्लू कलर के फ्लावर है, और उसके पोलन ग्रेन जो होते हैं वो है बेटा जी यहां पे लॉन्ग। आपने कहा सर उसने यहां पे एक फीमेल ले ली जो यहां पे उसके फ्लावर होते हैं रेड, और उसके राउंड पोलन ग्रेन। जरा समझो बात को, हमने कहा भाई प्लांट है, कौन सा प्लांट, स्वीट पी, नाम क्या है, लथारियस ओडोरेक्टस। क्या करता है वो जरा उसके समझ देगा। हमने कहा उसमें फ्लावर का कलर तो है ब्लू, और उसमें पोलन ग्रेन जो होते हैं वो आपके लॉन्ग इन द शेप होते हैं, ठीक है। हमने कहा उसमें कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर भी है, वो क्या है, आपने कहा सर रेड फ्लोर, और हमने क्या बोला यहां पर राउंड पोलन, हमें नहीं पता कौन डोमिनेंट है। हमने क्या किया इनकी क्रॉसिंग कराई, तो हमने क्या पाया, नीचे जो प्लांट आता है वो होता है ब्लू फ्लोवर का, और आपने कह दिया सर लॉन्ग पोलन का। अब मेरे भाई आपको समझ में आ गया होगा सर ये F1 अगर जनरेशन ये हाइब्रिड है, और अगर ये प्रिंट अपने आपको शो कर रहा है तो डेफिनेटली ये डोमिनेंट, और ये क्या है यहां पे रिसेसिव। कहानी को समझ के देखो जरा, यहां पे मैं जीनोटाइप ऐसा कुछ बना रहा हूं, ठीक है, ओके। अब आपने कहा सर उसने इसका करा दिया टेस्ट क्रॉस, उसने ये जो F1 पैदा होती है इसका करा दिया टेस्ट क्रॉस। तो जरा वर्ड को समझ के देखो, यहां से ये भी आया, यहां से आ गया स्मॉल बी, यहां से आया कैपिटल L, और यहां से आया स्मॉल L। और अभी मैंने चंद मिनट पहले आपको समझाया टेस्ट क्रॉस, तो मैंने कहा इसका उसने कर दिया टेस्ट क्रॉस, तो बता सकते हो यहां पर मैं क्या लिखूं जीनोटाइप। टेस्ट क्रॉस क्या होता है कि आप F1 का क्रॉस करवा रहे हो किससे बेटा जी, यहां पे
होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ अगर क्रॉस करा, जब भी किसी क्रॉस में अगर रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉसिंग हो रहा था, फिर वो क्रॉस कैसा हो रहा है बेटा जी? यहाँ पे आपका टेस्ट क्रॉस हो रहा था। आपने कहा अगर रिसेसिव पेरेंट है तो डेफिनेटली वो कैसा होगा? यहाँ पे आपका रेड फ्लावर का और आपका राउंड पोलन का, ऐसे प्लांट के साथ आपने उसकी क्रॉसिंग करा दी। तो जरा समझिएगा, मैं उसकी क्रॉसिंग करा रहा हूं इस टाइप के जीनोटाइप के साथ। तो आप बता सकते हो और आप बिल्कुल समझ सकते हो इस बात को। यहां पे रेशियो क्या आएगा सर? ब्लू और लॉन्ग का रेशियो 1 होगा, ब्लू और राउंड भी कितना होगा? 1 होगा। रेड और लॉन्ग भी कितना होगा? 1 होगा। रेड और राउंड भी 1 होगा। रेशियो क्या आएगा सर? 1:1:1:1 आना चाहिए। अगर ये बिल्कुल मेंडल की कहानी को फॉलो कर रहा है या फिर चार तरह के गैमेट अगर बन रहे तो रेशियो सर ऐसा आना चाहिए। सही बात है, हमने कुछ भी नई चीज नहीं पढ़ाई आप लोगों को, हम वही बात करें जो कि काम अभी तक पढ़ा था कि भाई एक ऐसा फ्लोर जिसके ब्लू कलर है, एक ऐसा जिसके रेड कलर है, ये आपके लॉन्ग कलर है, इनके क्रॉसिंग और F1 जो है वो कैसी थी यहाँ पे इस तरह के, और उसने उसका कर दिया टेस्ट क्रॉस, मतलब उसने उसको क्रॉस करा दिया विद रिसेसिव पेरेंट। तो भैया रेशियो क्या आना चाहिए था? 1:1:1 का रेशियो आना चाहिए था, ये एक्सपेक्टेड था। क्योंकि हम लोगों ने बातें की थी मेंडल के एरा की, मेंडल जी ने कह दिया सेग्रीगेशन लगता है जो यूनिवर्सल है, और उसने कहा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लगेगा तो चार तरह के गैमेट अगर बनेंगे, इस केस में यहां पे आपके इस तरह के भेजे चार तरह के फेनोटाइप वाले इंडिविजुअल पैदा हो जाएंगे। सही बात समझ में आ रही है मुझे? बट ये बात तो मेंडल की थी ना, हम तो यह बात किसकी कर रहे हैं? बैचलर पुनित की कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? कहानी में कुछ ट्विस्ट है यहां, और कहानी में क्या ट्विस्ट उसको जरा समझिएगा। यहां पे जो रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या था उसको समझना है। यहां पे जो ब्लू और लॉन्ग आए वो तो कितना है बेटा जी आपके यहां पे 43.7%। यहां पे जो ब्लू और राउंड आए वो आए बेटा जी 6.3%। अगला आए बेटा जी यहां पे जो रेड एंड राउंड आए वो आए 43.7%, और जो रेड एंड लॉन्ग आए वो आए बेटा 6.3%। मतलब मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई, अकॉर्डिंग टू मेंडल जब हमने F1 का अगर टेस्ट क्रॉस करते तो रिजल्ट ये आना चाहिए था, ये था एक्सपेक्टेड रिजल्ट। बट बैटसन पुनित ने जब इन लोगों का टेस्ट क्रॉस कराया तो उसने क्या देखा? नीचे जो प्रोजेनी पैदा हुई उस प्रोजेनी में ये परसेंटेज था बेटा जी ब्लू और लॉन्ग वाले प्लांट का, रेड फ्लोर और राउंड पोलन का रेशियो था 43.7। अब जरा वर्ड फरमा के देखो, यहां जो पेरेंट है वो कैसा है ब्लू एंड लॉन्ग पोलन का, उसका नंबर कितना है बेटा 43.7। यहां पे जो रेड एंड राउंड पोलन है उसका डाटा भी कितना है बेटा 43.7। मतलब दोनों पेरेंटल F2 के अंदर जब आए, यानी कि इनके टेस्ट क्रॉस में जब जो आए बच्चे वो मैक्सिमम कैसे है बेटा जी आपके यहां पे पेरेंटल आए। बट नए कॉम्बिनेशन, एक न्यू कॉम्बिनेशन कितना बना बेटा जी ब्लू का राउंड का, वो कितना बना 6.3%। और आपने कहा सर रेड और लॉन्ग का कितना है 6.3%। मतलब जो नए कॉम्बिनेशन आ रहे वो तो क्वाइट कैसे हैं, कम है नंबर में, और आपने कहा जो पेरेंटल है वो कॉम्बिनेशन कैसे है, ज्यादा है। यानी कि यहां जो रेशियो आना चाहिए था सब अगर 1:1, इसका मतलब मैं कहूंगा रेशियो क्या आना चाहिए था बेटा जी 25%, 25%, 25%, 25%, तो सबका नंबर बराबर होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मेंडल। अगर यहां पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लगा होता, मेंडल के सारे प्रिंसिपल पास हो रहे होते तो ये आना चाहिए था, बट ये आया नहीं। अब यहां पे बैटसन साहब ने क्या कह दिया कि भाई ये जो दो करेक्टर वाले जीन है, ये जो दो करेक्टर वाले फैक्टर है ना, वो बेजिस साथ साथ जाना पसंद करते हैं, वो एक्चुअली कपल्ड है, एक्चुअली क्या यहां पे कपल्ड है, वो साथ साथ जाना पसंद करते हैं, और ये जो दो कंट्रोल करने वाले फैक्टर हैं, वो भी कपल्ड फैक्टर हैं, वो साथ साथ जाना पसंद करते हैं। बट ये जो करेक्टर है कि ब्लू वाला राउंड वाला, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसलिए दोनों के साथ साथ जाने की संभावना कैसी है, कम है। जरा डाटा को दोबारा समझ के देखो, मैंने कहा ब्लू और लॉन्ग वाला कपल्ड है और ब्लू और राउंड वाला रिपेल कर रहा है। अब अगर भाई साहब ये रिपेल करेगा और ये फेवर करेगा, तो मैंने कहा आना दोनों को 25-25 चाहिए था, बट इसने फेवर किया, तो आपने कहा कि इसका डाटा बढ़ के कितना हो गया यहाँ पे 43.7 हो गया, इसने रिपेल किया तो इसका डाटा घट के कितना हो गया यहाँ पे 6.3 हो गया।
ये डिफाइन किसने किया? बैटसर पुनित ने किया। उन्होंने कहा यहां पर जो फिनोमेना लगे उसका नाम क्या है? कपलिंग और रिपल्सन। उसने फिनोमेना का नाम क्या दिया? कपलिंग और रिपल्सन। कि कुछ ऐसे जीन होते हैं, कुछ ऐसे पेड़ फैक्टर होते हैं जो साथ साथ रहना पसंद करते हैं और साथ साथ ही आगे जाते हैं, ऐसे वाले को हम बोलते हैं कपल्ड फैक्टर या कपल्ड जीन। और जो बेजी साथ साथ जाना पसंद ना करे, रिपेल कर दे, और उनके टाइप का कॉम्बिनेशन कब बने, मैं कम बने मैं कहूंगा, ऐसा वाला जो होगा वो क्या होगा? रिपल्सन वाले जीन होंगे। ऐसा डिफाइन किया किसने? बैट्सन और पुनित ने। बट वो इन्हें प्रॉपरली नहीं डिफाइन कर पाए, लोगों को एक्सपोनेंट प्रूव नहीं कर पाए, लोगों की बातें हजम नहीं हुई यहां पे, कुछ अच्छे से वो नहीं समझा पाए यहां पे इन बातों को, तो उनकी इस बात को किसी ने सही नहीं माना। ये बातें कब की हो रही है बेटा जी? यहां पे 1906 की हो रही है। 37 का नाम मैंने क्या बताया? बैट्सन और पुनित। तो आपको पता लगेगा ये बातें किसी ने नहीं मानी। उसके बाद 1910 में आ गया कौन? मॉर्गन। और उसने एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया, और वर्ड क्या लेके आ गया? वो लिंकेज। वो इसी चीजों को समझाएगा बट वो अलग तरीके से समझाएगा, और उसने वहां पे एक नया वर्ड यूज कर, वर्ड का यूज किया बेटा जी आपका लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। क्या वर्ड यूज किया बेटा जी उसने यहां पे? लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। ये दो वर्ड उसने यूज नहीं किया। अब उसने क्या प्रूव किया उस बात को जरा समझते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। चलिएगा, मेंडल जी भी सही थे बट कहां गड़बड़ थी उस चीज को समझिएगा। कैसे समझते हैं उस बात को? आप ही कहते हो सर हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम है। चलो अच्छी बात है। आपने कहा सर ये हमारे पास एक पेयर है, ये एक पेयर है, ठीक बात है। आपने कहा सर ऐसे ये एक पेयर है, ऐसे आपने कहा सर एक पेयर और भी है, ये आपने कहा सर सेकेंड पेयर है। मैं कहूंगा ऐसे भाई टोटल कितने पेयर है? 23 पेयर। कितने पेयर है? 23। चलिए आप ही कहते सर क्रोमोसोम में 23 पेयर है, 23 हमारे पास तो जोड़े हैं तो सेम टू सेम वाली बातें होंगी वो तो यहां पे, बट जीन कितने हैं? मैं कहूंगा हमारे पास जीन है बेटा जी 30,000। क्रोमोसोम है 23 और जीन 30,000। इसका मतलब ये 30,000 जीन इन्हीं क्रोमोसोम पे तो बसे पड़े हैं। इसका काई मतलब है कि भाई एक क्रोमोसोम पे अगर मैं डाटा दूं आपको यहां पे, एक अकेला क्रोमोसोम जो वन है उसके पास जीन होते हैं 2968। अकेला क्रोमोसोम नंबर वन जिसके पास जीन कितने हैं बेटा जी? 2968। हम सबसे छोटे की बात कर लेते हैं, क्रोमोसोम नंबर वाई, क्रोमोसोम नंबर वाई उसके पास जीन होते हैं बेटा जी 231। मतलब सबसे कम जीन किसी क्रोमोसोम के पास है तो वो किसके पास है बेटा जी? वाई के पास है। कितने यहां पे? 231। एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन अगर किसी क्रोमोसोम के पास है तो वो कौन सा है बेटा जी? नंबर वन। और कितना है बेटा जी यहां पे? 2968। मतलब आप बात को समझिएगा मैं जो समझा रहा हूं कि भाई क्रोमोसोम तो यहां पे पेड़ में है और आपने कहा इन क्रोमोसोम पे जीन कितने बेटा यहां पे? 30,000 है। मतलब एक अकेले क्रोमोसोम पे ऑन एवरेज 2000 जीन बैठे हुए, ऑन एवरेज की बात करें 1000 भी हो जाता है कुछ भी यहां पे। तो आपने कहा सिर्फ 23 क्रोमोसोम, सिंपल सी बात है सोचिएगा, सिर्फ 23 तो क्रोमोसोम है और 30,000 तो जीन है और क्रोमोसोम कितना है यहां पे? 23 है। तो मतलब ऑन एवरेज करीबन 1000 से ज्यादा और 2000 से कम, मतलब करीबन 1500 जीन ऑन एवरेज हर क्रोमोसोम पे बैठे हुए हैं, जिसमें वाई के पास सबसे कम है कितने है बेटा जी? 231। और एक नंबर के पास सबसे हाईएस्ट है वो कितने यहां पे? 2968। मतलब नंबर क्रोमोसोम वेरी करता है। बट बात को समझिएगा, इस अकेले क्रोमोसोम के पास बहुत सारे जीन हैं, हमने मान ली अप्रोक्स 200 जीन। ये भाई दूसरा पेयर है। अब जरा कहानी को समझ कर देखो, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? वो ये कहता है जब भाई ये फैक्टर अलग अलग, ये दोनों क्रोमोसोम अलग अलग होंगे, ये दोनों अलग अलग होंगे तो एक संभावना है ये ब्लैक वाला जनाब इसके साथ भी जा सकता है। बिल्कुल सही बात आपने कहा सर, ऐसा भी एक डायग्राम बन सकता है। कैसे डायग्राम बन सकता है? कि ये ब्लैक वाले जनाब है और इसके साथ चलेंगे अपने हरे वाले जनाब। आपने कहा सर एक संभावना ये है जारी,
मैंने कहा बिल्कुल भाई संभावना है। आपने कहा बट सर ये भी तो संभावना है, ये वाले जनाब इसके साथ चले जाए। आपने कहोगे यस सर ये भी संभावना है, तो आपका सर दूसरा कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ये वाले जनाब इसके साथ जा रहे। ठीक बात है। आपने कहा सर ये भी संभावना है, ये वाले जनाब इसके साथ जा सकते, तो आपने कहा बिल्कुल सर ये भी संभावना है। कल कहेंगे भाई ये संभावना बन गई, ये खाली वाला है और ये जनाब जा रहा है भाई साहब इस ग्रीन वाले के साथ। बिल्कुल सही। और आपने कहा एक संभावना और भी, वो क्या संभावना है, ये वाला इसके साथ जा सकता है, इसका मतलब ऐसे भी जा सकता है। मतलब मेरे भाई इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बिल्कुल फॉलो होता है, जो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था यहां पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम बिल्कुल सही बात है, मैं उस बात में कोई बदलाव नहीं करूंगा, वो बिल्कुल सही बात है। मेंडल जी की बात एकदम सही है, वो सुटरमैन बॉरी के अकॉर्डिंग जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्रोमोसोम होता है वो बात बिल्कुल सही, हमने कहीं उस बात को गलत नहीं कहा, क्योंकि हमने पढ़ा था मियोसिस के अंदर बेटा जी ये पेयर कैसे भी इसके साथ जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं इस बात में, ये भैया जी आजाद है जाने के लिए, बिल्कुल सही बात है। बट अब एक वर्ड तो और सोच के देखो, इस अकेले क्रोमोसोम के ऊपर अगर 2000 जीन बैठे हैं तो भाई वो जीन तो साथ साथ जा रहे होंगे ना, कहीं समझे, ये वाला इसके साथ तो जा सकता है, बट जो जीन इसके पास बैठे हुए हैं वो तो साथ साथ गए ना, गए गए कि नहीं गए, गए। इसका मतलब यहां पे एक वर्ड आ गया, वर्ड क्या आ गया बेटा जी आपका, लिंकेज। वर्ड क्या आ गया बेटा यहां पे, लिंकेज। ये देने वाला कौन था, मॉर्गन। कब दिया ये वर्ड, 1910 में दिया। देने वाला कौन था बच्चा, मॉर्गन। कब दिया ये वर्ड, 1910 में। क्या कहा उसने इसमें यहां पे, जो भी जीन लीनियर फैशन में क्रोमोसोम पे बैठे होते हैं दे हैव द टेंडेंसी टू पास टूगेदर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, में कहूंगा ऐसी टेंडेंसी का नाम होगा लिंकेज। समझे बात को जरा, अब जरा समझिए दूसरी बात को। उस भाई साहब ने रख दी यहां पे थ्योरी, थ्योरी का नाम क्या रखा उसने यहां पे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। कब रखी बेटा जी थ्योरी उसने, 1911 में। रखने वाले दो लोग थे बेटा जी, कौन दो लोग थे, एक तो थे भाई अपने मेन डॉन साहब और वो कौन थे, मॉर्गन, और उसका एक ग्रुप में एक आदमी और था उसका नाम था बेटा जी केस्टल। इन दोनों जनाबों ने मिलके एक थ्योरी रख दी, थ्योरी का नाम क्या था बेटा यहाँ पे, द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। कब रख दी बेटा जी, 1911। क्या कहा उस थ्योरी की बात को समझो, उसने अभी जैसे मैंने कहा ये जीन उसके साथ बैठे, जब उसने क्या कहा उसने यहां, उसने पहला पॉइंट बनाया, या पहले मैं आपको ये लिखवा दूं बेटा जी लिंकेज होता क्या है, तो मैं कहूंगा सुनिएगा बेटा जी, इट इज ए फिनोमिना, या मैं कहूंगा द टेंडेंसी ऑफ द जीन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम टू पास टूगेदर जनरेशन टू जनरेशन विदाउट एनी चेंज इज नोन एज लिंकेज। दोबारा सुनिए, द टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू पास टूगेदर जनरेशन आफ्टर जनरेशन विदाउट एनी चेंज टेंडेंसी इज नोन एज लिंकेज। ऐसी चीज जो साथ जाने की जो टेंडेंसी उसको हम बोलो लिंकेज। जरा समझिएगा यहां पे उसने अपनी थ्योरी का पहला पॉइंट क्या बनाया, लिंकेज इज सोन बाय द जीन दैट आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। उसने इंडिपेंडेंट को कहीं भी फील नहीं किया बेटा, उसने कहा बिल्कुल मेरे भाई जो अलग अलग पे बैठे हैं वो तो इंडिपेंडेंट है जाने के लिए, कोई किसी के साथ नहीं, बट द जीन दैट आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम पास टूगेदर। तो मैं कहूंगा यहां पे उसने पहला पॉइंट बनाया अपनी थ्योरी का, यहां पे लिंकेज इज सोन बाय द जीन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, उसने अपनी थ्योरी का पहला पॉइंट बना दिया। दूसरा पॉइंट उसने बनाया, द जीन्स आर प्रेजेंट इन द लीनियर फैशन ऑन द सेम क्रोमोसोम्स। उसने अरेंजमेंट की बातें कर ली, क्या कहा उसने यहां पे, द जीन्स आर प्रेजेंट इन अ लीनियर फैशन, द जीन्स आर प्रेजेंट इन अ लीनियर फैशन ऑन द सेम क्रोमोसोम। ये था उसका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट उसने क्या कहा, अब अगर सोचिएगा ये चीज बदलाव नहीं करेंगे साथ साथ अगर आगे जाएंगे तो मतलब पेरेंटल कैरेक्टर एज इट इज आगे जा रहा है तो मतलब नया कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, इसका मतलब लिंकेज फेवर पेरेंटल कैरेक्टर, लिंकेज फेवर
पेरेंटल करेक्टर। पेरेंटल करेक्टर को क्या करता है बेटा जी, यहां पे फेवर करता है। ये था उसका थर्ड पॉइंट। एंड द फोर्थ पॉइंट, द स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज इज डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन जीन। जरा वर्ड को सुनिएगा, आपने कहा सर ये दो जीन है ए और बी, अगर उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो संभावना है कि क्रॉसिंग और हो जाए। जरा वर्ड को समझाता हूं अच्छे से। आपने कहा सर हमने पढ़ा 11th क्लास में कि मियोसिस में प्रोफेज में एक स्टेज आता है उसका नाम था पैकाइटिंग, और वहां पे कुछ ऐसा पड़ा। मान लीजिएगा यहां पे ए जना बैठे, यहां पे बी जना बैठे, यही इसी का होमोलोगस क्रोमोसोम, और यहां पे बैठा स्मॉल ए, यहां पे बैठा स्मॉल ए। सर ये वाला छोटी सी फ्रेगमेंट कटी और इधर उधर एक्सचेंज हो गई, तो आपने कहा बिल्कुल हो गया, तो नया कम्बिनेशन क्या बन गया? आपने कहा सर यहां तो ए जना बैठे, तो यहां फिर आ गया बी, और इस वाले के अंदर यहां ए बैठा था, यहां आ गया बी। मतलब जो सेम क्रोमोसोम पे बैठे थे वो भी क्रॉसिंग ओवर अगर कर ले तो नया कम्बिनेशन बन सकता है। मैंने कहा बिल्कुल बन सकता है भाई, इस बात को नहीं ठुकराएंगे यहां पे, पर वो हम बातें करेंगे क्रॉसिंग ओवर की। हम यहां बातें किसकी कर रहे हैं? लिंकेज की कर रहे हैं। मतलब इस केस में हम क्रॉसिंग ओवर को अब्सेंट लेके चलते, तो हम ये बात कहेंगे यहां पे क्रॉसिंग ओवर अगर होगा भी तो किस बात पे डिपेंड करेगा बेटा जी? यहां पे वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर सोचो ये दोनों जीन बहुत ही क्लोज टू इच अदर होती, बहुत ही पास पास होते, बीच में से कोई जगह ही ना होती जहां से वो कट के इधर उधर हो सके, जहां से वो कट के इधर से उधर हो सकते, मैं कहता फिर तो भाई कभी अगर लिंकेज नहीं हो पाता यहां पे तो डेफिनेटली साथ साथ जाते हैं। तो मैंने एक लाइन बोली, द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन जीन। क्या बोला मैंने बेटा जी यहां पे? द स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन जीन। इस वर्ड का क्या मतलब है? आपने कहा अगर सर इन जीन में डिस्टेंस कम होगा ना तो लिंकेज होने की संभावना ही ज्यादा है, इनमें अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो लिंकेज होने की संभावना यहां पे कम है। इसका मतलब इन दोनों में जो रिश्ता वो कैसा है बेटा जी? यहां पे इनवर्सली का रिश्ता है। गेटिंग माय पॉइंट? समझिएगा दोबारा उसके चार पॉइंट क्या बने। थ्योरी रख दी गई, थ्योरी का नाम क्या था बेटा जी यहां पे? द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। कब दी गई बेटा जी थ्योरी यहां पे? 1911 में। देने वाले दो लोग थे, नाम क्या था? मॉर्गन और बेटा जी कैस्टर। क्या कहा उन्होंने थ्योरी में? चार पॉइंट बनाए। पहला पॉइंट क्या बनाया बेटा जी यहां पे आपका? द लिंकेज इज सोन बाय द जीन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। दूसरा उसने कहा द जीन्स आर अरेंज्ड इन अ लीनियर फैशन ऑन द सेम क्रोमोसोम। थर्ड पॉइंट बनाया उसने यहां पे द लिंकेज फेवर पेरेंटल करेक्टर, लिंकेज मेंटेन द पेरेंटल करेक्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन। चौथा उसने पॉइंट कहा यहां पे द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन जीन। ये चार पॉइंट उसने बना दिया अपनी थ्योरी के यहां पे आपके, और अपनी थ्योरी को रखा। जो लोगों ने अच्छे से उसने समझाया, लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया, और इसके साथ इतिहास में आ गया कौन मेरे भाई यहां पे आपका? लिंकेज। इट्स ऑल अबाउट द टॉपिक लिंकेज। समझ में आया मेरे भाई यहां पे? शुरुआत में इसकी डिस्कवरी करने वाले कौन पड़े बेटा जी? अपने बैटसन और पुनेट। बट उन लोगों ने वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर, उन्होंने अपनी कहानी का नाम भी क्या रखा था बेटा जी? कपलिंग और रिपल्सन। बट लिंकेज देने वाला कौन था यहां पे? मॉर्गन। कब दिया ये वर्ड? 1910 में। और उसने अच्छे से उसे एक्सप्लेन किया, अच्छे से समझाया उसने यहां पे, और आपने उसने अपनी थ्योरी पुट कर दी यहां पे, और थ्योरी को उसने कुछ पॉइंट बनाए जो कि आपके समझ में आ गए। अब मैं एक अगले टॉपिक में आता हूं, इसी के एक टाइप की बातें करते हैं। इट्स ऑल अबाउट द लिंकेज। अब अगले टॉपिक पे आते हैं। या अब आपकी वो बात समझाऊं अगर, चलो एग्जांपल के साथ समझेंगे फिर लेंगे हम बातें। अब मैं टॉपिक ले लेता हूं बेटा जी यहां पे सेक्स लिंकेज। हाँ भी आपने लिंकेज की बातें की, अब मैंने यहां स्पेसिफिक एक वर्ड यूज कर दिया सेक्स लिंकेज। मतलब यहां लिंकेज में कुछ और बातें होंगी, तो जरा उन बातों को समझ कर देखना क्या बातें होंगी। ये मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं ताकि अच्छे समझ में आए। जरा देखिएगा एग्जांपल। देखो मेरे भाई, बड़ा जबरदस्त एग्जांपल है, इससे बहुत अच्छा समझ में आएगा आप लोगों को, समझना जरा आपको। हमने कहा भाई एक फीमेल है, निशान आपको याद हो गया होगा, निशान किसका है बेटा? फीमेल का है। एक फीमेल है जो येलो बॉडी की है और व्हाइट आई की है। एक मेल है
जिसकी बॉडी तो है ब्राउन कलर की और उसकी आंखें रेड। अब उसने इन दोनों के करा दी आपस में मीटिंग, दोनों के आपस मीटिंग कराई, क्रॉसिंग कराई, तो उसने क्या देखा, जो इनके बच्चे पैदा हुए उनमें जो मेल पैदा होते हैं वो तो सारे फीमेल वाले करेक्टर शो करते हैं, मतलब उन सारे मेल का जो बॉडी का कलर है वो तो कैसा है बेटा जी, येलो है, और जो उनकी आंखें हैं वो कैसी है बेटा जी, यहां पे व्हाइट है, जबकि यहां पे जो भी फीमेल पैदा होती वो शो करती है मेल वाला करेक्टर, और वो क्या शो करती है बेटा जी यहां पे, वो शो करती है बेटा जी यहां पे आपका ब्राउन तो उनकी बॉडी है और बेटा जी रेड उनकी यहां पे आई है। मतलब आप समझिएगा बात, एक तो भैया जी लिंकेज आ गया, मतलब ये दोनों करेक्टर में कोई आपने बदलाव नहीं देखा, चलो ठीक है सर, बट एक और बात समझ में आ रही है भाई, मेल वाला करेक्टर तो जा रहा है फीमेल में और फीमेल वाला करेक्टर आ रहा है मेल में, जबकि ऐसा नहीं है कि एफ में कोई हाइब्रिड बना हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं दिखा दिया, कोई एक पेरेंट आया, दोनों पेरेंट आ रहे नीचे, बट सेक्स वाइज चीजें वेरी कर रही है, मेल कुछ अलग है फीमेल कुछ अलग है, ऐसा में दिखाई दिया जब मॉर्गन जी ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ऑन द ड्रोसोफिला। मतलब मॉर्गन जी कंफ्यूज हो गए कि भाई मेंडल जी जो बात कह के गए थे वो तो कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, ऐसी कोई बात मेंडल जी ने नहीं कही थी, उसने तो एक रेसिप्रोकल क्रॉस में ये कहा था सेक्स का कोई फर्क ही नहीं पड़ता कलर की, कोई भी नेटेंस में सेक्स का कोई रोल नहीं है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, याद है रेसिप्रोकल क्रॉस, एक में मेल को टोल लिया था फीमेल को ड्वार्फ लिया, अगले वाले में मेल को ड्वार्फ लिया था फीमेल को टोल लिया था, आपने ये कहा था रिजल्ट सर सेम आया था, वो क्रॉस था कौन सा, रेसिप्रोकल क्रॉस, द सेकंड क्रॉस ऑफ द फर्स्ट क्रॉस इन विच द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट गेट चेंज, याद है ना भाई ये बातें, हम उसी क्रॉस की बात करें कि वहां पे आपने ये प्रूव किया था सेक्स का कोई रोल नहीं है, बट यहां पे हमने देख रहे हैं भाई फीमेल फीमेल वाला करेक्टर मेल के पास जा रहा है, मेल वाला फीमेल के पास, तो इसका होने का क्या रीजन होगा, अब जब उसको समझ के देखिएगा। अब मैं अगर एक बात कह दूं कि भाई ऑर्गेनिज्म अगर है तो उनमें सेक्स क्रोमोजोम या ऑटोसोम दो तरह के क्रोमोजोम होते हैं, जरा वर्ड को सुनिएगा अच्छे से, हमारे पास दो तरह के क्रोमोजोम होते हैं बेटा जी, एक का नाम होता है ऑटोसोम क्रोमोजोम और एक का नाम होता है बेटा जी एलोसोम क्रोमोजोम, या उसे कहते हैं सेक्स क्रोमोजोम, जरा वर्ड को समझ कर देखो अच्छे से, क्या समझ कर देखो, जो क्रोमोजोम दोनों सेक्स में सेम होते हैं, मतलब जिनके पास ऐसे जीन होते हैं जो हमारे बॉडी के करेक्टर्स को बनाने के, बॉडी के पूरे डिफरेंट स्ट्रक्चर को बनाते हैं एक्सेप्ट द सेक्स ऑर्गन को बनाने का काम नहीं करते, पर पूरी बॉडी को बनाने का जो काम करते हैं वो कौन से बेटा जी, यहाँ पे ऑटोसोम, यानी कि जो सोमेटिक जीन्स है वो सब वाले हैं बेटा जी ऑटोसोम, पर जो हमारे सेक्स ऑर्गन को बनाने में उनके फंक्शन को परफॉर्म करने में जो जीन्स हेल्प करते हैं वो जिस क्रोमोजोम पे बैठे होते हैं हम कहते हैं वो क्रोमोजोम क्या है बेटा जी आपके यहाँ पे सेक्स क्रोमोजोम, या फिर उनको हम बोलते हैं एलोसोम, बिकॉज दोनों सेक्स अलग अलग है तो दोनों सेक्स में क्रोमोजोम भी कैसे होंगे अलग अलग होंगे, अरे पढ़े तो है भाई आपने क्लासेस में कि सर हमारे बॉडी में 22 पेयर तो कैसा होता है बेटा जी ऑटोसोम होता है और एक पेयर जो होता है वो होता है एलोसोम, आपने ये कहा सर फीमेल में होता है एक्स सेक्स और मेल में होता है एक्स वाई, पढ़ा तो है कि सर मेल में कैसा एक्स वाई फीमेल का एक्स, तो मैंने कहा भाई ये क्रोमोसोम ऐसा है जो दोनों सेक्स में अलग अलग होता है, तो उसका नाम रखा एलो, एलो बोले तो डिफरेंट, एलो बोले तो डिफरेंट, कि ऐसा क्रोमोसोम की बॉडी जो दोनों में अलग अलग होती है, मैंने कहा वो एलोसोम, या मैं कहूंगा सेक्स क्रोमोसोम, मैंने कहा जो दोनों में ऑटो, ऑटो बोले तो सेम, जो दोनों बॉडी में जो दोनों सेक्स की बॉडी में सेम टाइप की होते हैं मैं कहूंगा वो क्या कहलाएंगे बेटा यहाँ पे ऑटोसोम, सो मैं मेरे भाई यहाँ पे, अब देखो मैंने यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है सेक्स, यानी कि मैं किस क्रोमोसोम की बात करने वाला हूं, जरा समझिएगा वर्ड में क्या बोलने वाला हूं, मैं कहूंगा सेक्स लिंकेज इज शोन बाय द जीन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम, मैंने कहा द सेक्स लिंकेज इज शोन बाय द जीन दैट आर प्रेजेंट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम, जरा समझ के देखिएगा बात को, अगर मैं इस बात को यहां पे आपको समझाऊं कैसे समझाऊं मेरे भाई, भाई एग्जांपल हम दोबारा लिख लेते हैं ताकि उन बातों को हम जीन के थ्रू समझ के देखें, आपने ये कह दिया सर यहां पे जो फीमेल है उसकी बॉडी कैसी है येलो है और उसकी आंखें जो है वो कैसी है व्हाइट है, ये जो मेल है उसकी बॉडी कैसी है बेटा जी यहाँ पे ब्राउन है और उसकी आंखें कैसी है मेरे भाई यहाँ पे रेड, बस लोग ध्यान रखना बिल्कुल ब्लैक बोर्ड के ऊपर अच्छे से, यानी कि अपने वीडियो को अच्छे से देखते रहना, बड़ी अच्छी बात समझने जा रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे इनकी बातें करते हैं सेक्स को, तो समझ के देखो ये है फीमेल, तो आप ये कहोगे सर ये है एक्स एक्स, सर ये है मेल तो मतलब ये है एक्स वाई,
अब एक बात समझने की है छोटी सी, सर ये एक्स और वाई में दो अलग अलग अल्फाबेट यूज करते हो, डेफिनेटली ये दोनों क्रोमोजोम भी कैसे हैं अलग अलग है, दोनों के पास जो टाइप ऑफ जीन है वो कैसे हैं बेटा जी अलग अलग हैं। दोबारा वर्ड को सुनो मैंने क्या बोला भाई, यहाँ ये दोनों क्रोमोजोम क्या हैं, एक्स एक्स मतलब दोनों क्रोमोजोम सेम है, दोनों पास में सेम टाइप ऑफ द जीन प्रेजेंट होंगे, बट यहाँ आप क्या कर रहे हो सर एक एक्स है तो क्या है यहाँ पे वाई है, इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पे कि सर यहाँ पे जो एक्स के पास है वो वाई के पास नहीं, जो वाई के पास है वो एक्स के पास नहीं, ठीक मतलब मैंने कहा ये दोनों करेक्टर को कंट्रोल करने वाले जीन जो होते हैं प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोजोम, बस यही गंभीर बात है जो आपको समझनी है, द जीन दैट कंट्रोल द येलो बॉडी एंड द व्हाइट आई एंड द ब्राउन बॉडी एंड द रेड आई, द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोजोम जो कि एक सेक्स क्रोमोजोम है, वो वाई पे नहीं है, किस पे बेटा जी एक्स पे, तो जरा सोच के देखो मैंने कहा येलो बॉडी और व्हाइट आई ये मान लेते रिसेसिव जीन है, तो मैंने ऐसा कहा भैया जी सोचिएगा येलो बॉडी है उसके यहाँ पे और व्हाइट आई है, ये जीन इस एक्स के पास है, सेम यही जीन इस एक्स के पास बैठे होंगे, तो आपने कहा सर दोनों रिसेसिव है, तो मैं कहूंगा इस केस में कैसा होगा बेटा जी उसके यहाँ पे येलो तो बॉडी होगी और उसकी आईज कैसी होगी बेटा जी आपके यहाँ पे व्हाइट होगी, समझ में आई बेटा जी। अब यहां सोचिए उसके पास एक ही एक्स, मैंने कहा यहाँ उसके पास कलर वाला जीन कौन से ब्राउन, और मैंने कहा ब्राउन वाला भाई डोमिनेंट है, तो मैं उसको ऐसा शो कर रहा हूं वाई के ऊपर पॉजिटिव का निशान बना रहा हूं, मतलब स्मॉल वाई लिख के बता रहा हूं रिसेसिव है और वाई को बड़ा लिख के उस पर मैंने बना दिया पॉजिटिव, इसको मैं इंडिकेट कर रहा हूं डोमिनेंट से, चलिएगा मैंने कहा ये है रेड, तो आपने कहा सर ये सिर्फ एक्स पे है, इसको दोनों एक्स पे बैठे हैं वाई पे तो नहीं बैठे ना, सही लॉजिक सेट हो गया। अब समझिएगा यहां बात को सर, इनके बने गैमेट, बनाओ गैमेट का सर, ये एक्स अलग हो गए ये एक्स अलग हो गए, इसका मतलब इसके पास ये जीन आ गए सर, इसके पास ये आ गए, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से भाई, गैमेट बने उनके कैसे बने समझो जरा अच्छे से बनाते हैं मेरे भाई, भाई ये दोनों अपने आप को सेपरेट करेंगे क्योंकि यहां पे रूल लगता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो क्या कहता है वो सर ये एक्स अलग हो गया इस एक्स के पास बैठा है ये, सर ये एक्स अलग हो गया इसके पास ही बैठा है ये, सर ये दोनों भी अलग होगा तो मैं क्या कहूंगा बेटा इस एक्स के पास बैठा है अभी आपने लिखा मेरा भाई ये जीन्स किस पे बैठे हैं आपके एक्स को, हम तो वाई के पास तो कुछ भी नहीं है ना, सही है चलिए। अब जरा सोचो सर ये वाला क्रॉस हुआ तो क्या बना, इस एक्स के पास आ गया स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू, उस एक्स के पास आ गया ये वाला, अब आपने कहा सर ये डोमिनेंट, इस केस में ये एक्स एक्स आ गया मतलब क्या है बेटा जी ये फीमेल है, और इसकी कैसी होगी बेटा जी सर ये अगर डोमिनेंट वाला करेक्टर आ गया तो इसका इसकी ब्राउन तो बॉडी होगी यहां पर आपकी, और उसकी आंखें कैसी होगी बेटा जी रेड होगी, हा कि ना, हाँ आगे इस केस में भी सेम बात होगी भाई सेम चीज आ रही है, मतलब फीमेल पैदा होगी बट करेक्टर देखो मेल कौन सा दे रहा है डोमिनेंट वाला दे रहा है, इसका मतलब जो भी फीमेल पैदा होगी फीमेल पैदा होने के लिए यहां से अगर एक्स आया होगा तो इसका मतलब जो भी फीमेल होगी उसका करेक्टर कैसा होगा बेटा जी आपके यहां पर ब्राउन बॉडी का रेड आई का होगा, बट जरा सोचो मैंने ये बना दी गैमेट ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, मैं स्क्वायर बॉक्स में बना देता हूं चीजें, ये है फीमेल की, यहां मैं बना रहा हूं मेल के गैमेट, आपने कहा सर यहां से ये एक्स आया यहां से ये एक्स आया यहां से ये एक्स आया सर यहां से ये एक्स आया आप समझ के देखो बात को सर ये दोनों एक्स एक्स है मतलब ये दोनों फीमेल है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सर इनके पास में वाई पॉजिटिव डब्ल्यू पॉजिटिव वाई पॉजिटिव डब्ल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब उनके पास में ये वाला जीन, ये जीन कैसे है बेटा डोमिनेंट, इसका मतलब इनके पास करेक्टर कैसे होंगे बेटा जी दे मस्ट हैव द ब्राउन बॉडी एंड हैव द रेड आई, लॉजिक सेट ओके। अगला वाला ये वाले को देखो सर ये होंगे मेल क्योंकि एक्स वाई है,
और क्या होगा सर, इनका होगा यहाँ पे दोनों रिसेसिव, मतलब इनकी बॉडी कैसे होगी येलो होगी, राखे कैसे होगी व्हाइट होगी, इनकी बॉडी कैसे होगी येलो होगी, राखे कैसे होगी व्हाइट होगी। मैं कहूंगा मेल के पास करेक्टर आ गया बेटा जी फीमेल वाला, फीमेल के पास करेक्टर आ गया किसका बेटा जी मेल वाला। मैंने इस लिंकेज का नाम क्या बोला बेटा जी यहाँ पे आपका सेक्स लिंकेज। तो सिंपल सी परिभाषा समझ लीजिएगा, द जीन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम that are present on X chromosome, so the sex linkage. मतलब word को समझो, the genes are linked with the sex. The genes are linked with a particular sex. तो मैंने कहा इसका मतलब मैं कहूँगा ऐसा gene जो है वो क्या है बेटा जी यहाँ पे आपका sex linkage वाले gene। मतलब जो हमारे X chromosome, मतलब समझ के देखो मेरे भाई यहाँ पे हम उमर में पढ़ेंगे ऐसी बातें यहाँ पे कि हीमोफीलिया एक बीमारी जहाँ पे ब्लड अगर आपके ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाए तो ब्लड कभी क्लॉट नहीं करेगा, उस कंडीशन का नाम होता है हीमोफीलिया। और उसका जीन आप पढ़ोगे सब एक्स क्रोमोजोम पे। अब फीमेल के पास तो दो एक्स होते हैं, मतलब फीमेल के डिफेक्टिव होने का चांस कम है क्योंकि उसके पास अगर दो एक्स है, अगर एक एक्स के पास भी अच्छा जीन बैठा होगा तो वो उन प्रोटीन्स को बना के क्रोटिंग करवा के ब्लड की ब्लड वेसल्स को सील कर देगा। बट अगर मेल है और मेल के पास एक ही एक्स है और उस कंडीशन में वो जीन आपका रिसेसिव हो गया, वो म्यूटेटेड जीन हो गया, तो इंसान को हो जाएगी बीमारी। तो मैं कहूंगा चांस ऑफ द डिजीज इन द मेल इज मोर देन द फीमेल, हाँ कि ना, क्योंकि मेल के पास तो एक ही एक्स है, फीमेल के पास तो यहाँ पे दो एक्स है ना, और एक्स अगर उस मेल का वो भी डिफेक्टिव हो गया तो उसको बीमारी हो जाएगी। तो इसका मतलब वो जो जीन है वो स्पेसिफिकलाइज्ड होगे, वो स्पेसिफिक होगे भाई, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे होते, कहीं और नहीं होते। मैं कहूंगा यानी इसका मतलब वो सेक्स टू सेक्स वेरी करेगा उनका एक्सप्रेशन। तो मैं कहूंगा इस कंडीशन का नाम होता है बेटा जी यहाँ पे सेक्स लिंकेज, द जीन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम सो द सेक्स लिंकेज। सही बात है, इट्स ऑल अबाउट द सेक्स लिंकेज। हमने पढ़ा लिंकेज, हमने पढ़ा सेक्स लिंकेज। उम्मीद करता हूं आप लोगों के टॉपिक समझ में आया होगा ये। अब इसमें और भी बातें होंगी, क्रॉसओवर की बातें होंगी, लिंकेज के टाइप की बातें होंगी, बट अब तक मैंने जो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट दिया, मैंने आपको कुछ ब्रीफ आइडिया जो यहाँ पे दिया है वो समझ में आया होगा। अभी हम और टाइप इन हेडेंस में घुसेंगे यहाँ पे, क्रिस क्रॉस वगैरह क्या होती है। बस इस लेक्चर में ये दो टॉपिक की बातें मैंने की, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहे होंगे लोग आप लोगों को। प्लीज ध्यान रखो इन टॉपिक का अच्छे से। हबी जेनेटिक्स अच्छे वाले शुरू हो गई, यानी कि आप समझिएगा मेंडल जी का एरा खत्म हो गया, अब मेंडल के बाद जेनेटिक्स इतिहास में आ गई, वर्ल्ड इतिहास में आ गया। अब इस जेनेटिक्स में क्या क्या बातें हो रही हैं और क्या क्या बातें होंगी यहाँ पे, उनकी थोड़ा सा आज की बातें करेंगे, मतलब मॉडर्न जेनेटिक्स की बातें होंगी बाकी यहाँ, तो थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना। अब थोड़ा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होगा, आप लोगों को लगेगा जेनेटिक्स थोड़ी सी डिफिकल्ट होती जा रही है यहाँ पे, क्योंकि अब आप मॉडर्न जेनेटिक्स में घुसते जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं टॉपिक को आप अच्छे से समझ रहे होंगे, इनको अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो लेट मी नो, पक्का उनकी प्रॉब्लम को दूर करेंगे आप लोगों की। अपना ध्यान रखिएगा, अपने आसपास का ध्यान रखो, लोगों की थोड़ी बहुत मदद करते रहो जितनी आप कर पाते हो, प्लीज सबकी मदद करो जितना हो सके जितना। थैंक यू वेरी मच।